नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 30 अक्टूबर 2019, और यहां पर अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जो स्टॉक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर देता हूं, जो 3 स्टार सेक्शन में, साथ ही जो टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ वेबसाइट के थ्रू, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर किसने टारगेट आया, किसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूट्यूब चैनल के 3 स्टार सेक्शन से। स्टॉक दिया था मैंने NIT टेक का, अपने 3 स्टार सेक्शन में जो दिया था NIT टेक, देखते हैं उसने कैसा परफॉर्मेंस किया। इसको बाय करना था दोस्तों 1530 के ऊपर, शुरू के 5 मिनट जैसा कि रूल है उसमें ट्रेड हम लोग नहीं करते हैं। 1530 के ऊपर बाय करना था, तो आप देखिए पहली कैंडल को इग्नोर करते हैं, सेकेंड कैंडल 1528 के पास से निकलता है, यानी 1530 हमारा एकदम परफेक्ट लेवल से निकलता है। और इस कंडीशन में जो हमारा बाइंग था, पहला टारगेट था 1538 का था, तो आपने देखिए स्टॉक्स ने 1538 का आपको यहीं पे इसी कैंडल में प्रॉफिट दे दिया। दूसरा टारगेट था 1546 का, तो स्टॉक्स ने यहाँ पे आपको 456 का दे दिया। और तीसरा टारगेट था 1554 का, तो स्टॉक्स ने कहीं यहाँ पे आपको टारगेट अचीव करके दे दिया। तीनों टारगेट अचीव हो गए, उसके बाद भी स्टॉक देखिए काफ़ी ऊपर गया है 4% के तेज़ी के साथ, ज़बरदस्त मूवमेंट NIT टेक में, बहुत ज़बरदस्त। तो इसमें आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। दूसरा स्टॉक दिया था मैंने मैरिको का, तो चलिए मैरिको को देख लेते हैं। मैरिको को बाय करना था 370 के ऊपर, 370 के ऊपर स्टॉक दोस्तों शुरू के 5 मिनट को इग्नोर करते हैं, और उसके बाद स्टॉक गया नहीं 370 के ऊपर, तो हमारा भी बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सेल करना था 361 के नीचे, 361 के नीचे भी स्टॉक्स आया नहीं है, तो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब बाय की बात करते हैं वापस से, 370 के ऊपर बाय, देखिए 370 के ऊपर यहाँ कहीं पे आपको 370 के ऊपर बाय में गया है, और स्टॉक का जो पहला टारगेट था वो 373 का था, तो इसने देखिए जो हाई लगाया है 372, यानी कि आप लॉस में नहीं निकले। मैरिको में आपको लॉस नहीं हुआ, आप प्रॉफिट में ही निकले हैं, या अदरवाइज कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, लॉस में नहीं निकल पाए, ठीक है, लॉस में आपने नहीं निकला। तीसरा स्टॉक दिया हुआ था दोस्तों मैंने बाटा इंडिया का, तो चलिए बाटा इंडिया का भी चार्ट देख लेते हैं। बाटा इंडिया का चार्ट दोस्तों 1786 के ऊपर बाय करना था, 1786 के ऊपर शुरू में गया नहीं, तो बाय ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, 5 मिनट को छोड़ते हैं। 1776 के नीचे सेल करना था, आप देखिए बिल्कुल इसी कैंडल पे आपको कहीं पे सेल हुआ है, सेकेंड कैंडल पे आपने सेल किया है, और जो पहला टारगेट था 1768 का था, स्टॉक ने जो लो लगाया है 1772 रुपये का लगभग लो लगाया है, और वहाँ से फिर स्टॉक बाउंस बैक कर गया, और आपका टारगेट अचीव नहीं करने के बाद स्टॉप लॉस काट लिया है ना, 1784 का स्टॉप लॉस था जो हिट हो गया। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक, क्योंकि जो पहला टारगेट था वो हमारा 1768 का था, और स्टॉक ने 1772, 4 पॉइंट से हमारा टारगेट बच गया, तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस कट गया इसमें। अब बाय करना था 1786 के ऊपर, 1786 के ऊपर स्टॉक देखिए 1786 के ऊपर एग्जैक्ट गया नहीं है, बिल्कुल वहीं से रिटर्न कर गया नीचे की साइड में, यानी बाटा इंडिया ओवरऑल में मान के चलता हूँ कि फेल हो गया, बाटा इंडिया में एसएल कट गया। NIT टेक में पूरा प्रॉफिट आया, मैरिको में कॉस्ट टू कॉस्ट निकले या प्रॉफिट में, और बाटा इंडिया में स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका। अगला स्टॉक, अब जो अपने टेलीग्राम चैनल या अपने वेबसाइट पे डालता हूँ उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक लिंक मॉर्निंग में पोस्ट करता हूँ, तो वो मेरे चैनल पे ओपन, मेरे वेबसाइट का ओपन हो जाएगा, जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे, मॉर्निंग में एक लिंक पोस्ट करता हूँ तो वो मेरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पर मैंने 2 स्टॉक्स दिए हुए थे, वो पहला स्टॉक था इंडिगो का और दूसरा स्टॉक था SSA Pru का। तो इंडिगो को जो मैंने बाय लेवल दिया हुआ था 1417 के ऊपर बाय लेवल दिया हुआ था, इंडिगो को भी देख लेते हैं, 1417 के ऊपर बाय और 1409 के नीचे सेल। तो इंडिगो यहाँ पहली कैंडल और ये ओपन ही हुआ है 1450 से, सारे लेवल को ब्रेक करने के बाद, ठीक है, तो कोई बात ही नहीं। अब वापस अगर बाय का लेवल की बात करें तो 1417 के ऊपर मैंने बाय दिया था, यहाँ पे आपको एक बार मौका मिला था बाय करने के लिए। देखिए स्टॉक्स ने लगभग उस प्राइस के आसपास एक बार आया था 1419 के बाद, इसके बाद स्टॉक ने जो बाउंस किया, जो यहाँ से मूव किया 1417 का जो मेरा लेवल था, यानी 1419 से जो बाउंस किया, तो वो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया 7% की तेज़ी के साथ, सारे टारगेट डन करके चला गया ऊपर। अब बात करते हैं SSA Pru Life का, जो SSA Pru Life का दूसरा स्टॉक दिया था उसको भी बात कर लेते हैं, यानी
इसमें इंडिगो में प्रॉफिट, वायनाइट टेक में प्रॉफिट, इंडिगो में प्रॉफिट, मैरिको में कॉस्ट टू कॉस्ट, बाटा इंडिया में एसएल हिट। अब बात आती है एसएससी प्रू लाइफ की। एसएससी प्रू लाइफ को बाय करना था 511 के ऊपर और सेल करना था 500 के नीचे। आपने पहली कैंडल को इग्नोर किया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सेकेंड कैंडल 500 के नीचे, आपने यहाँ पे कहीं पे 500 के नीचे यहाँ कहीं पे सेल किया और इसने यहाँ से बाउंस बैक कर लिया, कितना 490 का लो लगा के वापस घूम गया, जबकि हमें कम से कम 496 का टारगेट था। यहाँ से रिटर्न कर गया, एसएल काट दिया। बाय करना था 511 के ऊपर, 511 के ऊपर कब गया ये भी देखेंगे। 509, 10, 11 यहाँ पे गया 511 लगभग 2:45 बजे, 2:40 के बाद पहला टारगेट जो था 515 का था, स्टॉक ने जो हाई लगाया है 514.30 रुपये का लगा है। तो लगभग लगभग 1% एक प्रॉफिट आपको यहाँ पे देने की स्टॉक ने कोशिश किया है, जो कि 3 बजे के आसपास का आता है। यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया सेल साइड में, बाय साइड में एक टारगेट आने की कोशिश किया, यानी ऐसे ऐसे प्रू लाइफ एवरेज हो गया। मैरिको में कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, बाटा इंडिया में एसएल हिट हो गया, इंडिगो में प्रॉफिट आया और एनआईटी टेक में दोस्तों प्रॉफिट आया। ये था मेरा अपना स्टॉप परफॉर्मेंस रिव्यू। अब जो लाइव मार्केट में दिया उसकी भी बात कर लेते हैं। मुथूट फाइनेंस को 714 के ऊपर बाय करने दिया था, तो मुथूट फाइनेंस को लाइव मार्केट में 714 के ऊपर बाय करने दिया था। चलिए देखते हैं, इसको दिया था 9:22 पर, 9:22 बाद उसका 714 के ऊपर ये गया ही नहीं, तो हमारा बाय ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं हो पाया। इसमें बात ही खत्म हो गया, ऑर्डर ही ट्रिगर नहीं हुआ। इसमें USDINR सेल दिया था 71.10 के नीचे, स्टॉप लॉस 71.14-15। तो चलिए USDINR को भी देख लेते हैं, 71.10 के नीचे सेल करने दिया था, 71.10 के नीचे यहाँ पे सेल करने दिया था। स्टॉक्स ने यहाँ पे ट्रिगर किया है ऑर्डर, ठीक है, और जो टारगेट था हमारा 71.9875 का, तो लो लगाया है इसने 71 रुपये का, लगभग लो लगाया 71.0। पूरा टारगेट इसने भी अचीव नहीं किया, लेकिन आपको लॉस में भी नहीं निकाला, कॉस्ट टू कॉस्ट ही USDINR ने भी निकाला। और ओवरऑल फिर मार्केट अपसाइड में जाने के बाद साइडवेज हो गया था, तो उसके बाद मैंने कोई कॉल ही नहीं दिया। अपसाइड जाने के बाद एक साइड में ऊपर में अपसाइड में जो होता है सस्टेन कर गया, रेंज पे रह गया, इस वजह से कोई कॉल नहीं बन पाया दूसरा, तो मैंने कोई कॉल नहीं दिया। तो ओवरऑल आज NIT टेक में आपने प्रॉफिट लिया, इंडिगो में प्रॉफिट लिया, बाटा इंडिया में एसएल कटा और ICICI प्रू में एक बाय का टारगेट आया और सेल का स्टॉप लॉस हिट हो गया। दूसरा एक और स्टॉक कौन सा दिया, इंडिगो है ना, इंडिगो में प्रॉफिट लिया, मैरिको में कॉस्ट टू कॉस्ट, NIT टेक में प्रॉफिट। तो ये था मेरा ओवरऑल स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू दोस्तों। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।